मजलिस का इजलास असम्बली इलेक्शन के बाद पहली बार इतना बड़ा इजलास होने जा रहा है, तो इसका मकसद क्या है और ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक नज़रिया रखने वाली तहरीकी सियासी जमात है। इसके पास, मजलिस के पास अपनी ख़ुद की एक आइडियोलॉजी है। आज मजलिस की मजलिस का बुनियादी नज़रिया ये है कि हिंदुस्तान भर के दबे कुचले पिछड़े बशमुल मुसलमान, ऐसे लोग जिनको 70 सालों से तमाम सियासी जमातों ने सियासी तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन जब उनके हुकूक़ की बात आई, उनके तहफ़ की बात आई, उनके दफा की बात आई, तो वो सियासी जमातें जो अपने आप को 70 सालों से सेक्युलर कहते आई, जब उनके उस जब ऐसे दबे कुचले लोगों की बात आई तो उनके हुकूक़ की लड़ाई लड़ने में नाकाम रही। इसलिए इन दबे कुचलों के बीच से उनके ख़ुद के नुमाइंदे निकल कर ऐवानों में जाकर उनकी हुकूक़ की लड़ाई लड़े। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बुनियादी और वाहिद नज़रिया है। इसी के तहत 2019 में जो असेंबली इलेक्शन हुआ था, हमने इन तमाम खासियत को मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब में महसूस करते हुए उनको यहाँ से नुमाइंदगी दी और शहर ने देखा कि पहली मर्तबा इस शहर में 1 लाख से ज़ायद वोट किसी ने क्रॉस किया, तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार ने क्रॉस किया। ये मजलिस की ही ताकत थी, ये मजलिस के नज़रियात की ताकत थी, ये मजलिस के लीडर, कौमी लीडर की, और यहाँ के जो है हमारे मजलिस के मानने वाले और बशमुल मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल का अपना जो एक सियासी हलका था, इन तमाम लोगों ने मजलिस के नज़रियात से मुतासिर होकर जिस तरीके से असेंबली इलेक्शन लड़ा, आज उसके नतायज ऐसे हैं कि मजलिस का आमदार रिकॉर्ड साज कामयाबी के साथ इस शहर में कामयाब हुआ। असेंबली इलेक्शन के बाद से जो है कोरोना के हालात पैदा हो गए थे, बहुत बड़े बड़े सतह पर जो है कोई आवामी प्रोग्राम नहीं किया जा सकता था। इस सूरत में आज जो है शहर के सियासी हालात भी बदल चुके हैं, सियासी सरगर्मियां भी शुरू हो चुकी है। मजलिस अपने नज़रिए के साथ आज ये प्रोग्राम रख रही है कि आने वाले वक्त में जो कॉरपोरेशन के इलेक्शन होने जा रहे हैं और उसी के साथ साथ जो शहरी मसाइल है, बरसरे इक्तदार ने किस तरीके से अपने सत्ता का जो है बेगलत इस्तेमाल किया और जो गलत पॉलिसियों की वजह से शहर का नुकसान हुआ है, इन तमाम बातों को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तय किया है के 10 सितंबर को शहरी सतह पर एक इजलास रखा जाए और आने वाले वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो कॉरपोरेशन के इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें वाज़े तौर से अपनी पॉलिसी को जो है आवाम के सामने रखे, अपनी बातों को आवाम के दरमियान ले जाए और किस तरीके से और किस मंशूर पर और किसके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये इलेक्शन लड़ेगी, इस इजलास में जो है हम वहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। और साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो तंजीमी ढांचे को मजबूत करने के लिए जो ओहदे दिए जाएंगे वो ओहदों की वहाँ पर तकसीम होगी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक पार्लियामेंट्री बोर्ड प्लस एक कोर कमेटी वहाँ पर डिक्लेयर होगी, ताकि आने वाले वक्तों में जो भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पॉलिसी हो, जो भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कामकाज को आगे बढ़ाने की बात हो, वो इस कोर कमेटी और साथ ही साथ इस पार्लियामेंट्री बोर्ड के ज़रिए किया जाए। इन तमाम बातों को लेकर हमने जो है 10 तारीख को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक जो है शहरी इजलास हबीब लॉन्स में 7 बजे से लेकर 10 बजे तक 10 तारीख को बरोज़ जुमा को रखा है। से 10 से लेके 50% की छूट।